जेजेपी अब रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेज चुकी है और जेजेपी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिए कि अगर रणदीप सुरजेवाला ने अपने राक्षस वाले बयान पर माफी नहीं मांगी तो उसके बाद फिर वो खुद क्रिमिनल केस का सिविल केस का सामना करेंगे, यानी कि रणदीप सुरजेवाला ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे में जेजेपी ने जो नोटिस भेजा है उसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट आपको दे दें। जो राक्षस वाला बयान था रणदीप सुरजेवाला को, उस पर जेजेपी के नेता नाराज है। लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग ने नोटिस भेज दिया। जेजेपी ने 2 सप्ताह में माफी मांगने को कह दिया है। माफी नहीं मांगी तो सुरजेवाला के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों केस करने की तैयारी जेजेपी पार्टी करेगी। जेजेपी पार्टी का जो लीगल सेल है वो करने वाला है ये तैयारी। तो ऐसे में क्या रणदीप सुरजेवाला अब माफी मांगने वाले हैं? सवाल बड़ा है। ये लेटर, ये नोटिस आप देख पा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला को सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई है कि माफी मांगो वरना क्रिमिनल और सिविल केस के लिए तैयार है। तो जेजेपी के लीगल सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमने कल भी बातचीत की थी, उन्होंने बताया भी था कि जो पूरा मामला है वो किस तरह से सामने आया वो भी जानते हैं। लेकिन अब अगर 2 सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं दिया और माफी नहीं मांगी रणदीप सुरजेवाला ने, फिर ये मामला एक कदम आगे बढ़ सकता है। ये भी आपको बता दें कि राजनीति इस पूरे बयान पर पहले से चल रही है। बीजेपी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को घेरने का पूरा पूरा मन बनाकर खूब बयानबाजी की थी और अभी तक वो सिलसिला जारी है। कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया था, राक्षस वाला बयान, जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों को लपेटा गया था। लेकिन अब खुद लपेटे में आ गए रणदीप सुरजेवाला और उनकी पार्टी को भी लपेटे में लिया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, जिस पर कांग्रेस के नेता जवाब दे भी नहीं रहे और दे भी रही, खुलकर बचाव भी नहीं कर पा रहे और बचाव भी किया जा रहा है। ऐसे में सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। 13 अगस्त 2023 को सुरजेवाला जी ने कैथल में रैली की, उस रैली के अंदर उन्होंने हमें और बीजेपी वालों को राक्षस प्रवृत्ति के बताया और न हमें पार्टी उन्होंने ये भी कहा कि इनके कार्य जो वोटर हैं उनको भी जो राक्षस प्रवृत्ति का बताया। सुरजेवाला जी को बताना चाहता हूँ कि सुरजेवाला जी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की राक्षस प्रवृत्ति कहना ये उनकी अपनी ओछी मानसिकता है, ओछी हरकत है। तो इसलिए जो जिस प्रकार से उन्होंने हमारे को या हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की कही है, हमने उनको ये लीगल नोटिस भी दिया है कि अगर या तो 15 दिन के अंदर अंदर वो इस चीज़ का पब्लिकली अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, अदरवाइज हम उनके खिलाफ सिविल भी। केवल डिंगरा साहब कांग्रेस के हरियाणा के दिग्गज प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। केवल डिंगरा साहब, ये अब जेजेपी क्या कर रही है, रणदीप सुरजेवाला को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए अब इन्होंने लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर दी है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 सप्ताह के भीतर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस के लिए तैयार रहे रणदीप सुरजेवाला। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? देखिए किस कृत्य में मांगी है मुझे नहीं पता। वो जो राक्षस वाला बयान था ना सर, कैथल में दिया था, आप जानते हैं। जी। अब बात ये है कि अगर वो उस बयान पे बात कर रहे हैं जी, तो वो क्या लीगल नोटिस, खट्टर साहब ने भी तो सेम लैंग्वेज यूज करी, उन्होंने इसके परिवार को बोल दिया। हालांकि इस मामले को तो वो खुद अपनी बात का जवाब दे सकते हैं कि कैसे बोला, क्यों बोला, इसका जवाब उनको खुद देना है। लेकिन ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। लेकिन सवाल ये है इसके अंदर कि अगर गलती करी किसी ने भी, एक ने, तो दूसरा भी तो गलती का सेम जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने भी तो उनके परिवार को सेम वर्ड बोल दिए, तो क्या लीगल नोटिस एक ही जगह पे जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं जाएगा? क्या जेजेपी चाहती है कि एक आदमी ने गलत काम किया तो उसको नोटिस दे दो और दूसरे को छोड़ दो? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या मंशा है? देखिए जिस तरह से लीगल नोटिस इस बयान पे एक आदमी को दिया जा रहा है, तो सेम बयान जो है उसी का ही एक तरह से बयान उन्होंने परिवार को बोल दिया। परिवार भी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के जनता है ना, तो जनता को आप बोल रहे हो ना, आप भी तो, आपको नोटिस नहीं दिया गया, एक तरफा दिया गया। तो मुझे लगता है कि इनको पुनर्विचार करना चाहिए कि नोटिस अगर देना है तो वो बराबर देना। लेकिन डिग्रा साहब एक बात बताइए, अगर कोई भी नेता, मान लीजिए रणदीप सुरजेवाला छोड़ दीजिए, और कोई नेता भी ऐसे बयान देता है
जेजेपी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और जैसे कि जेजेपी बीजेपी कह रही कि वोटर्स को भी इन्होंने इनडायरेक्टली बोला राक्षस, तो इस पर तो माफी मांगनी चाहिए आपको लगता है? हरियाणा की जनता वोटर है ना सभी, जो रणदीप सुरजेवाले का परिवार है क्या वो वोटर नहीं है? जी, उसको वोटर की संख्या में मुख्यमंत्री नहीं लेते क्या? ठीक है, और जेजेपी वाले नहीं लेते क्या? ठीक है, जेजेपी वालों को तो बराबर काम कर रहे हैं ना वो। अच्छा, तो वैसे तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो जिसको नोटिस देना चाहे सिंगल सेल दे, लेकिन मुझे लगता है कि नोटिस सिंगल साइड पे जा रहा है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अजय गुलिया साहब हमारे साथ जेजेपी के हरियाणा प्रवक्ता भी फोनलाइन पर मौजूद है। अजय गुलिया साहब, ये जो नोटिस भेजा गया है रणदीप सुरजेवाला को कि माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, वरना 2 सप्ताह के बाद सिविल और क्रिमिनल केस के लिए तैयार रहे, इस पर केवल ढिंगरा साहब कह रहे हैं कि ठीक है उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है वो, ये वो साफ कर चुके हैं, फिर भी रणदीप सुरजेवाला के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेरना, और ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो नोटिस है वो एक तरफा भेजा गया। अजय गुलिया साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट चुका है। डिगरा साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को भी घेर रहे हैं आप, देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुराग ठाकुर फिर कल बयान दे रहे हैं, ओपी धनखड़ साहब बयान दे रहे हैं, अनिल विज जी भी बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो तोहफा दे दिया एमपी का, एक और उनको जिम्मेदारी देकर रणदीप सुरजेवाला को, इस तरह की बयानबाजी पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बयानबाजी सिर्फ एक तरफा की जा रही है, वो तो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी ने कोई गलत बात बोल दी, अवेश में बोल दी, अब इसी तरह से इसी के बयान को आप दूसरी तरीके से देखें, ठीक है, एक अनुराग ठाकुर थे जो स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था गोली मारो डैश 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 दिया था, तो उसके बाद उनको प्रमोशन क्यों दी गई? अच्छा, उनको क्यों सेंटर का फाइनेंस सेंटर मिनिस्टर बना दिया गया? ठीक है, समझ गया मैं। अजय गुलिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ढिंगरा साहब एक रिएक्शन ले लेता हूं। गुलिया साहब, मैं ये कह रहा था कि ढिंगरा साहब ये कह रहे हैं कि आप एक तरफा नोटिस भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी सुरजेवाला के परिवार को लेकर क्या बात कही वो सबको मालूम है, वो कहते हैं कि उनको भी जेजेपी एक नोटिस भेज देना, वोटर तो वो भी है, हरियाणा के लोग तो वो भी है, उनके परिवार वाले भी है। ये केवल ढिंगरा जी ने कभी आईपीसी सीआरपीसी कभी पढ़ी है क्या? उसमें ये प्ली लेकर कि कोई बच सकता है कानून से कि उसने भी अपराध किया है तो मुझे भी अपराध करने की आजादी दी जाए। मैं इन्हीं की बात को बड़ी करता हूँ कि अगर ये मानते हैं कि किसी और ने भी अपराध किया है तो उसको भी नोटिस जाना चाहिए, तो इनके मुंह में दही जमी हुई है क्या? ये भेज दे नोटिस, इनके इनके तो बड़े वकील है, बड़े बड़े वकील है इनकी पार्टी में, तो ये क्यों नहीं भेज सकते? देखिए, अगर किसी ने गलत किया, किसी ने मुझे राक्षस कहा, उसके खिलाफ मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, अब ये तय करने का अधिकार तो न्यायालय के पास है कि वो दोषी है कि नहीं है, उसकी कितनी सजा होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए ये तो न्यायालय तय करेगा, मैं और आप तो नहीं तय कर सकते। लेकिन इनको एक चीज दिखाओ कि आईपीसी और सीआरपीसी पढ़े, उसमें कहीं भी इस बात की कोई प्ले नहीं ले सकता कि फलाने आदमी ने भी अपराध किया था तो मुझे भी अपराध करने की आजादी दी जाए। कानून अपना काम करेगा, प्रदेश में देश में कानून का राज है। ठीक है, उन्होंने कहा है, उनके खिलाफ नोटिस दे दिया, कोई उनके खिलाफ कोई बयानबाजी तो नहीं करी, नोटिस दे दिया, न्यायालय अपना काम करेगा। अंत में कुछ कहना चाहते हैं केवल डिंगरा साहब इस चर्चा में? देखिए, बयान दोनों का सेम है, दोनों का ही इस तरह से बयान है, मुख्यमंत्री का भी सेम बयान है और इनका भी सेम बयान है, लेकिन लीगल सेल जो है इनका एक तरफ तो नोटिस देना चाहता है क्योंकि विपक्षी पार्टी है, हम बीजेपी के ऑपोजिट में है, एक पार्टी जो है जिसका ये खुद का दल है, इनको वो अपना काम जो है वो कृत्य नहीं दिखता, वहां पे ये अपने आंख के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, वो जनता नहीं दिखती, जो रणदीप सुरजेवाला के परिवार जो जनता वोटर है वो नहीं दिख रही इनको, वो जो बीजेपी को वोट देती है वो वोटर दिख रहे हैं इनको। तो किस तरह से देखिए, लीगल सेल भी काम करता है और नोटिस नोटिस खेलता है, ये लीगल सेल के ऊपर भी जनता देखेगी हरियाणा की कि ऐसे ऐसे लीगल सेल जो होते हैं जो एक तरफ नोटिस देते हैं और दूसरी तरफ पट्टी बांध देते हैं अपनी आंख से। अजय गुलिया साहब, आपका अंतिम जवाब इस चर्चा में? को भी कहो इनका करे, अगर इनको कुछ लगता है कुछ गलत हुआ है तो देखिए, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून की पालना करने वाले लोग हैं, हमने जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी थी अपनाई। गुले साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो गुले साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप इस चर्चा में शामिल हुए और आप दोनों ने इस चर्चा में शामिल होकर इस पर बातचीत किए, तो
एक नतीजे पर हम इतना पहुंचे हैं कि सुरजेवाला के बयान से कुछ नेताओं ने किनारा तो कर लिया है, लेकिन साथ ही बीजेपी को जवाब भी दिया, जेजेपी को जवाब दिया। इधर जेजेपी कह रही है कि अगर किसी ने भी कोई गलत बयान दिया है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है और लीगल तरीके से हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के भी वकील हैं, वो भी मुख्यमंत्री को लेकर, जो उनको आपत्ति है बयान को लेकर, वो भी भेज दे नोटिस, ये नसीहत दी गई है।